हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये हमारे चैनल MG फॉर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज हमारा वीडियो नंबर 18। और हमने वीडियो नंबर 17 में क्या क्या कर लिया था अब तक? हमने कर लिया था हिडन गुडविल का कंसेप्ट किया था हमने, और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने किया था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे, जनरल एंट्री भी बनाई थी, और मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखाया था। तो आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक, हमारा टॉपिक नंबर 5 क्या है, वो ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस एंड जनरल रिजर्व। मतलब अगर कोई हमारे पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व या लॉसेस पड़े हैं पिछले ईयर्स के, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ ट्रीटमेंट होंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जनरल एंट्रीज बनेंगे इस केस में। तो हमारे पास जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो हमारे पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब है जो पिछले सालों के प्रॉफिट हमारे पास इकट्ठे होके रखे हुए हैं। पिछले सालों के प्रॉफिट मतलब जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया होगा, जो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया होगा, उसको हमने कलेक्ट करके रख रखा होगा बैलेंस शीट में। तो आज हम उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि नए पार्टनर्स के आने से पहले जो भी पुराने पार्टनर्स ने कमाया वो किसका होना चाहिए, पुराने पार्टनर्स का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम नए पार्टनर का एडमिशन करेंगे। तो हमें क्या एंट्री बनेगी, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। मान लो दो चीजें दे रखी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, और जनरल रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास। ये दोनों क्या हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। तो ये पार्टनर्स को मिल जाएंगे। क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट की जगह आप यहाँ पे करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं अगर इनकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो। तो आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स मेथड से करेंगे तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं कह रखा तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हैं और कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो कौन से रेशो में आएगी, ये बनेगी आपकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। तो दोस्तों ये एंट्री बनती है अगर आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पे हमारे पास कुछ एक्युमुलेटेड लॉसेस हैं, तो क्या एंट्री बनेगी यहां पे, एक्युमुलेटेड लॉसेस। एक्युमुलेटेड लॉसेस का मतलब है आप कह सकते हो आपके पास P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया हमारे लिए। डेबिट होता हमारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस हो गया। तो डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है हमारे लिए यहाँ पे। और दूसरा हो सकता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आया होता है। तो हमें से क्या करना है, राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर में, या फिर आप कह सकते हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये तीनों चीजें हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में दे रखी होंगी आपकी। और ये क्या है हमारे, ये हमारे कुछ फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं हम इनको, असेट साइड में आते हैं फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं। और दोस्तों इनको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो पार्टनर्स डेबिट में आ जाएंगे। अब एंट्री बनेगी इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर फिक्स कैपिटल हो तो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो असेट्स अगर हमें खत्म करनी है तो क्रेडिट में लानी पड़ेगी, क्योंकि असेट्स का नेचर डेबिट होता है। तो टू P&L अकाउंट आ जाएगा, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कोई हमारा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हो सकता है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये आ गए आपके क्रेडिट में, और ये बन गई एंट्री कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में। तो दोस्तों ये एंट्री बन जाती है यहाँ पे। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व, जैसे स्पेसिफिक रिजर्व बता देता हूं आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये दोनों चीजें हमारे पास हो सकती हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसको भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैंने बताया था आपको
जो भी पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर क्रेडिट में आते हैं, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसका बैलेंस अभी हमारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब वर्कमैन को कंपनसेट करने के बाद भी हमारे पास कुछ वर्कमैन कंपनसेशन फंड बच जाएगा, तो हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हमारी कम हो जाए तो उसको वहां से हम एडजस्ट कर सकें उस फंड से। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना जाता है, वर्कर्स को अगर कभी कंपनसेट करना पड़ जाए, फॉर्म में कोई दुर्घटना हो गई, मान लो किसी वर्कर का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसको हमें क्या करना पड़ सकता है, कंपनसेट करना पड़ सकता है। तो कंपनसेट करने के लिए हमारे पास एक फंड बना हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हम वहां से कंपनसेट कर देंगे। तो अगर उसके बाद भी, कंपनसेट करने के बाद भी उसमें फंड में बैलेंस रह जाता है, तो बैलेंस किसको मिल जाता है, पार्टनर्स को। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पॉजिटिव में बैलेंस रह गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने कहा था यहाँ पे करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कौन से रेशियो में बांटेंगे इसको, ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स, तो ये एंट्री बन जाती है आपकी यहाँ पे। और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ तो कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट पार्टनर को मिल जाएंगे, पार्टनर को कुछ मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट में आ जाता है, जनरल रिजर्व पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स को मिल गया, और एक्युमुलेटेड लॉसेस का मतलब जो पार्टनर की कैपिटल को कम करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट में लेंगे और पार्टनर्स डेबिट में आ जाएंगे क्योंकि इनकी कैपिटल से कम करना है हमें। और सेम टू सेम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंड है हमारे पास, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो क्या होगा, वो पार्टनर्स को मिल जाएगा अगर उनको पेमेंट करने के बाद भी उस फंड में कोई बैलेंस रह जाता है तो ये एंट्री बन जाती है। अब हम करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57, तो 57 क्वेश्चन है, मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूं। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, तो रेशियो दे रखा है 2:1, जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द डेट ऑफ जेड्स एडमिशन, द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स एंड वाई शोड जनरल रिजर्व ऑफ 2,50,000, तो जनरल रिजर्व रखा हमारे पास 2,50,000 रुपए का, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। उसके बाद दे रखा है 5 जनरल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स एडमिशन, तो कहता है जेड के एडमिशन पे इनकी जनरल एंट्रीज बनाइए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 57 और टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन है, तो हमारे पास दो चीजें दे रखी है, एक तो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो कितना दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, दे रखा है आपको 50,000 रुपीज, एंड जनरल रिजर्व दे रखा है कितना, जनरल रिजर्व दे रखा है 2,50,000 रुपीज। उसके बाद हमें ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है दो पार्टनर का एक्स एंड वाई का 2:1, ये है एक्स और वाई का। इसके बाद कहता है जनरल एंट्री बनाइए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या बुक एंट्री बनेगी यहाँ पे, हमने बताया था आपको कि पीएनएल और जनरल रिजर्व हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो सिंपल जनरल एंट्री बन जाती है यहाँ पे, कितनी से अमाउंट है टोटल 3,00,000 रुपीज को बांटने हमने 2:1 में, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3,00,000 को, 50,000 का पीएनएल है तो 50,000 लिखिए आप पीएनएल अकाउंट में, एंड 2,50,000 लिखिए जनरल रिजर्व में, और दोनों का टोटल होता है 3,00,000, इसको बांट दीजिए 2:1 में, तो ये आ जाएगा 2,01,00,000 रुपीज, तो ये एंट्री बन जाती है यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया हमने, पीएनएल एंड जनरल रिजर्व को ओल्ड इश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, और पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो पार्टनर्स क्रेडिट में आ जाते हैं। इसके बाद करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 का ए पार्ट, टीएस ग्रेवाल सेम एडिशन, एंड कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, तो 5:3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दे डिसाइडेड टू एडमिट डब्ल्यू फॉर 1/6 शेयर, द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन, कहता है जनरल रिजर्व हमारे पास 36,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व है 6,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 18,000 का, एंड
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है डेबिट बैलेंस जिसे बोल रखा है उन्होंने 24,000 का। तो यहाँ पे सारी चीजें पार्टनर्स को मिलने वाली हैं, एक दो जनरल रिजर्व भी पार्टनर को मिलेगा, कंटीजेंसी रिजर्व भी पार्टनर को मिलेगा, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है ये भी पार्टनर को मिलेगा। बट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, एक हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके का, तो हम क्या करेंगे इसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब ये हम पार्टनर्स की कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। तो तीन चीजें यहाँ पे मिल रही है पार्टनर को, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 58 का ए। तो एक तो दे रखा हमें पहला जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000 रुपीज का, एंड पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको 18,000 रुपीज का, एंड कंटीजेंसी रिजर्व ये दे रखा है आपको 6,000 रुपीज का, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये कितना दे रखा है आपको 24,000 का। तो ये तीन चीजें जो है आपको पार्टनर्स को मिलने वाली हैं, और ये एक चीज है जो पार्टनर्स की कैपिटल से हम डिडक्ट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं जनरल रिजर्व पी एंड एल कंटीजेंसी रिजर्व की जनरल एंट्री। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे, एंट्री बनाइए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर थे यहाँ पे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे आपके पास 36,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व है 6,000 का, एंड 24,000 आपका पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है 18,000 का। तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आता है आपका 18,000 का। अब आप तीनों को ऐड करिए और ये आएगा आपका कितना 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इनके ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो आपको दे रखा था 5:3:2। तो अगर 5:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 30,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज, सॉरी 18,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। तो डिस्ट्रीब्यूट करके ये आ जाता है और ये बन जाती है आपकी जर्नल एंट्री इन तीनों की। अब हम बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की जनरल एंट्री। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, लॉ से मैंने बताया था आपको। तो हम ये पार्टनर्स की कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, तो कैपिटल पार्टनर्स को डेबिट में ले आइए, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो तीनों डेबिट में आ गए, और क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, आप एंट्री बनाइए, एंट्री तो बन गई आपकी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये असेट साइड में आ रहा होगा, इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है और इसको खत्म करना है तो क्रेडिट पे लाना पड़ेगा इसको। तो टोटल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है 24,000 का, इसको बांट दीजिए इनके ओल्ड इशू में मतलब 5:3:2 में। तो 24,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में तो ये आ जाएगा आपका 12,000 एंड 7,200 and 4,800। तो डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाता है 24,000 को, और ये एंट्री बनती बन जाती है आपकी। तो आपने देखा यहाँ पे जो जनरल रिजर्व था, कंटीजेंसी रिजर्व था, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस था, वो पार्टनर्स को मिल गए, तो पार्टनर्स क्रेडिट में आ गए और डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ओल्ड रेशो में। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था वो हमारे लिए क्या है, डेफर्ड डिवेंड एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट है, तो फिक्टिशियस एसेट को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो एसेट को क्रेडिट में लाएंगे और पार्टनर्स डेबिट में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी कैपिटल हमें कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या था, स्टेट items, any three items या two items that needed adjustment at the time of admission of the partner. मतलब कोई दो या तीन चीजें बताइए मुझे जिनकी एडजस्टमेंट मुझे बुक्स में करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा आप लिख सकते हो कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें गुडविल की, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है गुडविल का। और लिख सकते हो रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, उस जो उस पर प्रॉफिट आएगा रिवेल्यूशन से उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी लिख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, स्टेट द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर शेयर द गुडविल
appeared in the balance sheet at the time of admission of new partner. मतलब जब नए partner का admission हो रहा है उस time पे balance sheet में जो goodwill आ रही है already appeared वाली उसको partners कौन से ratio में distribute करेंगे, तो आपको पता हो तो मुझे comment करके बताइए. और आपको video पसंद आया तो please do like, share and comment. ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग. और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.